अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 4 लेके आया हूँ। नाउ सिंपली अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो क्या कैनवस बिल्कुल ब्लैंक है। और सबसे पहले मैं बताता चलूं कि लास्ट क्लास में, मतलब पिछली क्लास में, हमारे ये लासो टूल, पॉलीगोनियन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल कंप्लीट हुआ था। नाउ उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल है। और सबसे पहले क्विक सिलेक्शन, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्विक सिलेक्शन होगी, लेकिन इसकी अच्छे से समझ हमारे पास एक पिक्चर पे आएगी, तो मैं यहाँ पे पिक्चर एक इंसर्ट कर लेता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर जो कि वो इंसर्ट कर लिया और यहाँ से अपना क्विक सिलेक्शन टूल ले लिया। सबसे पहले बताता चलूं कि आप अपने कीबोर्ड पे जो कि वो कर्ली ब्रेसेस देख सकते हैं, और राइट वाली प्रेस करेंगे आपका जो कि वो ब्रश जो कि वो बड़ा होगा, साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट वाला प्रेस करेंगे जो कि साइज डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपके पी के साथ जो कि वो कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स के दो सिंबल हैं, राइट वाले से आपका साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट वाले से आपका साइज जो कि वो डिक्रीज होता है। फर्स्ट रो और राइट वाली तरफ पे आपके ये कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे मैं साइज जो कि वो छोटा सा मिनिमम सा रख लूँ, और अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं सिलेक्शन करूंगा और काफी स्मूथली ये सिलेक्शन हमारे पास बनती जा रही है। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एरर आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो कि ऑल प्रेस करूँ और आप देखेंगे ऑटोमेटिक माइनस सेलेक्ट हो गया, ये फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में हमने देख लिया था। और यहाँ से मैं जो कि वो ठीक है सिलेक्शन कर रहा हूँ, और इस तरह से इजी वे में हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन होगी और अब मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ और आप देखेंगे हमारा शू जो कि वो इजी वे में सिंपल एक न्यू लेयर में जो कि सिलेक्ट हो गया। काफी इजी सा टूल था ये, काफी ज्यादा यूज होने वाला टूल है। नाउ उसके बाद यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है। सिंपली क्विक सिलेक्शन में जल्दी जल्दी हमारी सिलेक्शन हो जाती है, मैजिक वॉन्ड में एक क्लिक करेंगे और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन इसमें हमारे पास काफी ज्यादा एरर्स आते हैं, मैं अभी आपको दिखा दूं। क्विक सिलेक्शन टूल में काफी इजी से हमारी सिलेक्शन होगी। और यहाँ पे अब मैं इसके लिए भी एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हैं मैजिक वॉन्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक ये पिक्चर इंसर्ट कर ली है। अब यहाँ पे मैंने मैजिक वॉन्ड टूल भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सैंपल साइज सिंपली आप साइज उसे बता सकते हैं कि कितनी एवरेज का साइज आपके पास आए, मतलब आपके यहाँ पे कलर जो के हैं वो थोड़े डार्क हैं, यहाँ पे कलर थोड़े से लाइट हैं, मतलब वक्त बाय वक्त हमारे जो के कलर एक पिक्चर में जो के वो चेंज होते रहते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं कि 101/101 एवरेज, मतलब आपका अगर जो के वो डार्क कलर है तो वो थोड़ा सा लाइट कलर भी आपका पिक कर ले, लेकिन अगर आपने पॉइंट सैंपल पे किया हुआ है अपना मैजिक वॉन्ड, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे इसी की सिलेक्शन होगी, दूसरे लीव्स की सिलेक्शन नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पे जो कि वो एवरेज थोड़ा इंक्रीज करूँ, और अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे उसने अपने साथ वाले एरिए के भी सिलेक्शन कर ली। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। सिंपल एक जस्ट आपने एक क्लिक करना है और आपकी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। मुझे अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन किस तरह से हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफी अच्छी सिलेक्शन हो, क्योंकि इसमें जो कि वो एरर्स हमारे पास जल्दी आते हैं। और आई होप यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन हो गई है, और सिंपली अभी आप देख सकते हैं काफी मजेदार सी सिलेक्शन हमारे पास हुई है। सिंपली यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एरर जो के वो आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एरर आ रहे हैं, लेकिन
ये क्लियर हो जाएंगे अगर आप क्विक सिलेक्शन टूल को और मैजिक वांड को टूल को जो कि है वो दोनों को यूज करेंगे। उसके बाद टॉलरेंस है सिंपली, यहाँ पे एवरेज तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन एंटी एलियास पिछली क्लास में मतलब क्लास नंबर 2 या 1 में आपको बता दिया गया था कि एजेस जो कि है वो उसके सॉफ्ट होंगे, और अगर ये ऑफ है तो एजेस आपके जो कि है वो ब्लिस्टर होंगे, उभरे हुए होंगे, तो इसको आपने ऑन रखना है ना। उसके बाद यहाँ पे कंटीगस का ऑप्शन है, कंटीगस प्रोनाउंसिएशन मेरी जो क्या वो थोड़ी अजीबो गरीब होगी, तो ये है आपके पास ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका इस पे चेक है और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिलेक्शन इस तरह से वो करेगा। इसमें थोड़े से ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो कि वो उसने रिमूव किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। लेकिन अगर आप इसका अनचेक करेंगे और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ पे जो कि है वो अभी भी डिसलेक्ट है और यहाँ पे पूरा एरिया, ये वाला एरिया जो कि है वो सिलेक्टेड है, तो इसका थोड़ा सा काम है ना। उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस है, सिंपली मैं यहाँ पे 225 कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लिमिट 225 की ही है। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल जस्ट एक क्लिक किया और आप देखेंगे काफी स्मूथ सी सिलेक्शन होगी, और आप एजेस में भी देख सकते हैं कोई मसला ज्यादातर देखने को नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा एक एरर आ रहा है, वो आप जो कि है वो लासो टूल से जो कि है वो रिमूव कर सकते हैं। और ये एरिया मैंने रिमूव कर दिया और अब कंट्रोल जे प्रेस करूंगा और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इस तरह से सिलेक्शन हुई। अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बताने लगूंगा, ये वाली मेरी सिलेक्शन जो कि है वो मैजिक वांड टूल से हुई है और मेरा जो कि है टॉलरेंस 225 पे था। लेकिन ये वाली सिलेक्शन, ये वाली लेयर जो कि है वो मेरी क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट हुई है, और अभी आप दोनों में जो कि है वो फर्क देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी एजेस इसके इस तरह है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ इसके एजेस जो के वो थोड़े से स्मूथ हैं। इतना फर्क, इतना डिफरेंस जो क्या वो कोई नहीं देखता। आप अपनी मर्जी के टूल्स चूज कर सकते हैं और उनमें अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो इस वे में आप अपना जो क्या क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वांड टूल मतलब जल्दी से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।